सोलन में तेज सायरन बजते ही जिला प्रशासन व होमगार्ड, दमकल विभाग, पुलिस की सभी टुकड़ियां हरकत में आ गई। सायरन सोलन में आए तेज भूकंप के कारण बजाया गया। भूकंप के कारण ये जिला प्रशासन ने माना कि सोलन में भूकंप से 5 जगह भारी प्रभावित हुई हैं। बस फिर क्या था, इन 5 जगह रेस्क्यू टीमों को रवाना कर दिया गया। कुछ ही देर में दनदनाती हुई एम्बुलेंस मौके पर पहुंचने लगी और घायल व्यक्तियों का अस्पताल लाने में जुट गई। हालांकि इस मौके पर ट्रैफिक जाम की वजह से कुछ वाहन मौके पर देरी से पहुंचे और रिस्पांस टीम भी विचार का आदान प्रदान ठीक से नहीं कर पाए। जिला प्रशासन ने माना कि थोड़ी बहुत कमियां रह गई जिसे दूर कर लिया जाएगा। इस मौके पर जिला उपायुक्त हंसराज शर्मा ने बताया कि भूकंप आने पर 5 स्थानों पर भूकंप ने प्रभाव दिखाया था, जिस पर उनकी टीमों ने बखूबी काम किया और जहां एम्बुलेंस की जरूरत थी वहां एम्बुलेंस भेजी गई। जहां जेसीबी की जरूरत थी वहां जेसीबी का इंतजाम किया गया। वहीं उन्होंने बताया कि विभिन्न ट्रेड टुकड़ियों ने रेस्क्यू में सराहनीय कार्य किया। उन्होंने बताया कि कुछ कमियां भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सामने आई जिन्हें भविष्य में दूर कर लिया जाएगा। सभी ने उस आपदा के बारे में विचार विमर्श किया, अपने अपने दिया सूचना फील्ड से इकट्ठी की गई, कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है, जानी नुकसान कितना है, उस तरह का जो आपका इमारतों को नुकसान कितना है वो सभी किया गया। जहाँ 5 टीम्स बनाएगी, 5 जगह, एक्चुअली हमें सूचना मिली कि 5 जगह, एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, सुगंधा अपार्टमेंट के जो माल है, ITI है, और डाइट जो सोलन है उसके आसपास का रेजिडेंशियल एरिया, और SCPWD ऑफिस में काफी नुकसान हुआ है। तो 5 टीम्स बनाई गई, उनको प्रॉपरली ब्रीफिंग की गई और ब्रीफिंग के बाद उनको टीम को विद लॉजिस्टिक इक्विपमेंट और वॉलंटियर्स के साथ और एम्बुलेंस के साथ रवाना किया गया। तो वो टीम्स ने अपनी अपनी जगह गए, 2 जगह कई रोड्स की प्रॉब्लम थी तो वहां JCB भेज के रोड ओपन कराया गया, तब जाके टीम वहां पहुंच गई। कुछ छोटी मोटी कमियां इन्होंने बताई, कहीं वो ट्रैफिक की प्रॉब्लम बताई, कहीं और किसी चीज की प्रॉब्लम बताई, तो वो विल टेक केयर।